Good morning, students. Good morning, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of Daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform, that is Unacademy. Unacademy के YouTube channel Let's Crack UPSC CSE में आप सभी लोगों का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में. We are going to see the various news published in The Hindu, The Indian Express, Live Mint and Financial Express. और कल के एक दो न्यूज रह गए थे, हम वो भी कवर करेंगे आज. तो चलिए, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, लेट मी नो स्टूडेंट्स इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडेज सेशन. यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद. एंड यस्टरडेज पीडीएफ आई हैव फॉरगॉटन टू पुट इट, आई वाज वेरी बिजी यस्टरडे. आज मैं पुट अप कर दूंगा, चिंता मत कीजिए. जस्ट इस सेशन के बाद दोनों पीडीएफ, कल के भी और आज के, दोनों मैं पुट अप करूंगा और मैं दोनों को कल रिवाइज करवाऊंगा सेशन में, ठीक है. तो दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट वन डिकेड इन ऑफलाइन मेंटरिंग, past 1.5 years in online mentoring upon Unacademy. In UPSC, I have appeared twice for the personality tests in my 4 attempts and 4 mains. I have also worked as assistant commissioner of sales taxes in Uttar Pradesh state services through UPPCS examination for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel Unacademy _ Anurag Singh, जुड़ जाइएगा इस session के free PDF and further updates के लिए. एंड मैं एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब एंड एनरोल फॉर द अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, इंडियाज बिगेस्ट फ्री प्रीलिम्स बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट 27 मार्च को है और स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस हैं जीतने के लिए. एनरोल यूजिंग द कोड अनुराग. एंड स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर प्लस एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शंस. आइकनिक सब्सक्रिप्शन इज अ मेंटरशिप सब्सक्रिप्शन, आपको 1:1 लाइव मेंटरशिप मिलेगा अलॉन्ग स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स. एंड इन प्लस यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू द क्लासेज एंड द मॉक टेस्ट. एंड यू कैन सी इट हियर, 12 मंथ्स के GS प्लस सब्सक्रिप्शन में, GS के केवल आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको ऑप्शनल का 12 महीने का फ्री. ये देखिए, अगर 12 महीने का ले रहे हैं GS का, तो 12 महीने का फ्री ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन. ऐसे ही द ड्यूरेशन फॉर विच यू आर टेकिंग द प्लस GS सब्सक्रिप्शन, द ऑप्शन विल बी फ्री विद दैट. यू कैन सी इट हियर. सो यूज द कोड अनुराग वाइल टेकिंग दिस सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गेट दिस ऑफर. एंड ये देखिए, 1-3 ईयर प्लान्स प्लस के और आइकनिक के दिए हुए हैं, यूज रेफरल कोड अनुराग यहाँ पे भी, ठीक है. जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं टू गेट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो यू गेट अटैच माई व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन गेट लोन्स एट 0% इंटरेस्ट रेट फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. एंड दीज आर द न्यू बैचेज विच आर कमिंग अप ऑन March 16, 2022. आप देख सकते हैं. और ये मेरा प्रोफाइल लिंक अनुराग, आइए मैं सर्च कीजिए एंड फॉलो कीजिए अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है. और आज शाम को एक डुअल एजुकेटर सेशन है, ठीक है. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्लेसेस इन न्यूज़ एंड पर्संस इन न्यूज़ शाम को 9 बजे, ठीक है. ज़रूर से स्पेशल क्लासेस में रहेगा, करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा, ज़रूर से फॉलो कीजिएगा उसे, ठीक है. तो आज है 12 मार्च और हर करंट अफेयर्स के न्यूज़ को हम देखते हैं 2 पर्सपेक्टिव से. पहला, डीकोड इंटरलिंक अप्रोच. डीकोड इंटरलिंक अप्रोच का मतलब होता है मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए वैल्यू एडिशन पिकअप करना स्टूडेंट्स न्यूज़ में से 10-20 वर्ड्स का. एंड इससे +1, +2 मार्क्स मेंस में एड अप हो जाएंगे आपके पर आंसर में. एंड इट मेक्स अ बिग डिफरेंस ऑफ 10-20 मार्क्स इन एवरी पेपर. 20 मार्क्स एवरी पेपर, आप जीएस के पेपर में ही 70-80 से 100 नंबर तक का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है. एंड 360 डिग्रीज अप्रोच इज फॉर द प्रीलिम्स. बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज हम चेक करेंगे और वहीं से आजकल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं. तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स, टेक आउट द एटलस. एटलस इज एसेंशियल. टेक आउट जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेन्स सिलेबस. टेक आउट न्यूज नोटबुक. टेक आउट 3-4 कलर्ड पेंस. और चलिए बढ़ चलते हैं, हम लोग शुरू ही करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से, क्योंकि वहीं से न्यूज सबसे ज्यादा आए हैं आज, और इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है. एंड साइंस एंड टेक. सो देयर इज नो न्यूज फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, इंडियन सोसाइटी एंड इवन पॉलिटी से कोई क्रेडिबल न्यूज नहीं आज. आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंस्टीट्यूशन जीएस पेपर 2. ये देखिए सबसे पहला न्यूज विच कम्स अप, यू कैन सी इट हियर. यूक्रेन हॉल्ट्स हाफ ऑफ वर्ल्ड्स नियॉन आउटपुट फॉर चिप्स, clouding the outlook. So Ukraine's two leading suppliers of neon ka hum logon ne dekha tha, neon bahut important hai students. Ye dekhiye, ek noble gas hai and it's required, theek hai, it's required for making chips. Ye dekhiye, chips ke liye required hai. Ye dekhiye, integrated circuits,
के लिए रिक्वायर्ड है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगता है। लगभग 169 इंडस्ट्रीज में ये एज अ रॉ मटेरियल लगता है। ये 169 इंडस्ट्रीज का डेटा याद करना है क्या? नहीं, इस बार इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया था, इसीलिए मैंने आपको ये पुटअप कर दिया यहाँ पे। ये देखिए, तो ये यू कैन सी यूक्रेन्स टू लीडिंग सप्लायर्स ऑफ नियॉन विच प्रोड्यूस अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ द की इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग चिप्स। तो ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड 50% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाई टू कंपनीज ऑफ यूक्रेन। दिस शोज हाउ द वर्ल्ड इकोनॉमी, द ग्लोबल इकोनॉमी इज नॉट रिजिलियंट एट ऑल। रिजिलियंट का मतलब यही होता है कि अगर कोई बंद कर रहा हो तो दूसरा कोई शुरू कर दे दिस सप्लाई, तब जाकर कहा जाएगा रिजिलियंस है इकोनॉमी में। ये तो डिसरप्शन है, सीधे साधा डिसरप्शन, डिसरप्ट हो जा रहा है। एक भी इवेंट हो रहा है वर्ल्ड में, तो पहले COVID-19 और अब रशिया यूक्रेन वॉर। एंड ये देखिए, दे हैव हॉल्टेड देयर ऑपरेशंस एज मॉस्को हैज शार्पेंड इट्स अटैक ऑन यूक्रेन। एंड सम 45-54% ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर ग्रेड नियॉन क्रिटिकल फॉर द लेजर यूज टू मेक चिप्स। ये देखिए, लेजर में इस्तेमाल होता है, विच इज यूज टू मेक चिप्स, कम्स फ्रॉम टू यूक्रेनियन कंपनीज इन गैस एंड क्रेयॉन। नेम ऑफ द कंपनीज आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। और ये देखिए, बिफोर द इन्वेजन इन गैस प्रोड्यूस 15,000-20,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ नियॉन पर मंथ फॉर कस्टमर्स इन ताइवान। देखिए, ताइवान चिप्स के लिए फेमस, कोरिया ऑफकोर्स, साउथ कोरिया की बात हो रही है, नॉर्थ कोरिया की बात नहीं होगी ऐसी जगहों पे। नॉर्थ कोरिया की बात केवल मिसाइल में, MISSILE, केवल उसमें होता है, ठीक है। चाइना एंड US एंड जर्मनी, ये देखिए, तो विद दिस दीज कंट्रीज आर गोइंग टू फेस शॉर्टेज एंड द चिप्स एंड द सेमी कंडक्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंडस्ट्री इज जस्ट गोइंग टू बी डिलेड मच मोर। अब आप कहिएगा, सर ये इंटीग्रेटेड सर्किट के इंडस्ट्री के ऊपर क्या इकोनॉमिक सर्वे में कुछ और दिया हुआ? यस, दिया हुआ, बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये आ सकता है इस बार प्रीलिम्स में, इट्स अ हाई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। डू यू एग्री स्टूडेंट्स? ये देखिए, इट्स अ हाई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, ये देखिए पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसमें क्लीन वाटर, ठीक है, ये आया था लाइव मिट में, क्लीन वाटर सप्लाईज आर ऑल्सो एसेंशियल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट्स अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड इंडस्ट्री। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, यस, अगर आप पैसा लगाइए कम से कम 10-12 महीने पहला प्रोडक्ट बाहर आने में, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। ये देखिए, सो लगभग 8-10 मंथ्स मिनिमम आफ्टर द ऑपरेशंस बिगिन। ऑपरेशंस जैसे ही काम शुरू होता है, 10 महीने पहला प्रोडक्ट मार्केट में उतरने में, ठीक है। तो इंडिया का, अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लग रहा है, तो समझ लीजिए कि अगर जब भी तैयार होके रेडी हो जाएगा कि अब आज से काम शुरू, तो 10 महीने रुकना पड़ेगा उस दिन से। गेटिंग द पॉइंट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दैट अभी डिलेज आर अप्रॉक्सीमेटली 4-5 मंथ्स की डिले चल रही है वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, लगभग 18-22 हफ्ते का, ये देखिए वीक्स का, तो अब 18-22 वीक्स का लगभग डिले चल रहा है इंडिया के लिए। ग्लोबल लेवल पर अगर बाकी कंपनीज का देखा जाए, इट्स 14-16 वीक्स। तो इंडियन कंपनीज, आर दे गोइंग टू फेस मोर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हल्टिंग ऑफ नियॉन आउटपुट, टेल मी। यस, और समस्याएं, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, 169 इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स। दिस माइट, यूक्रेन का ये केवल स्टेप, देखिए रशिया यूक्रेन वॉर केवल यही जाकर GDP में बहुत बड़ा एक डेंट क्रिएट कर सकता है। डू यू एग्री? डेंट मीन्स डिक्रीज ऑफ GDP। आई होप यू एग्री विद मी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये देखिए, GDP विल बी इम्पैक्टेड। ध्यान दीजिएगा, नियॉन प्रोड्यूस करने में कोई दिक्कत नहीं है, सेमी कंडक्टर ग्रेड नियॉन प्रोड्यूस करने में दिक्कत। बात समझ में आ रही है? देखिए, दिस द सेम प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट क्वालिटीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, और यही है। आप साफ साफ देखिएगा, सेमी कंडक्टर ग्रेड नियॉन, इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है। दिस क्रिटिकल फॉर द लेजर से जो चिप्स बनाए जाते हैं, और उसमें स्पेशलाइजेशन यही दो इंडस्ट्रीज का था। हाँ, बाकी इंडस्ट्रीज क्या कर सकती हैं? कर सकती हैं, क्या दिक्कत है?
लेकिन मींस बाकी कंपनीज क्या ये स्टार्ट कर सकती है? कर सकती है, लेकिन 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, दैट्स इट. इट्स नॉट ओनली अबाउट रॉ मटेरियल, इट्स अबाउट दैट क्वालिटी रॉ मटेरियल जो इसके लिए रिक्वायर्ड है. तो देखिए डेंट जीडीपी में क्रिएट होने वाला है इसके कारण भी अच्छा खासा. देखिए हाउ जियोपॉलिटिक्स एंड वॉर क्रिएट्स अ डेंट इनडायरेक्टली इनटू द जीडीपी ऑफ द कंट्री, यू कैन सी इट हियर. आइए आगे बढ़ जाएं. ये पहला न्यूज, और ये पहले न्यूज में आपको आज मैंने इकोनॉमिक सर्वे का 3 चीज बता दिया कि भाई इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या क्या चीजें लगती हैं. इट कैन कम अप, इट्स अ हाई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, यस. क्लीन वाटर सप्लाईज आर नीडेड, यस. लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, यस. द डिलेज आर अप्रॉक्सिमेटली 18 to 22 weeks एट प्रेजेंट. आज कल का ये न्यूज 18 से 22 हफ्ते तक का डिले अभी चल रहा है. बीच में कम हुआ था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर द लास्ट 3 weeks एंड एवरीथिंग हैज गॉन हैपेजैड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट्स इट. सेकेंड न्यूज आज का देखिए, रशिया ऑफर्स मोर ऑयल टू इंडिया. तो रशिया ने कहा भाई आप दोस्त हो, आप ले लो, इतना तेल यहाँ पड़ा हुआ लेते जाओ, यहाँ से कोयला भी ले जाओ, तेल भी ले जाओ, पैसा दे देना, पैसे में रुपी ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. डॉलर नहीं दे पाओगे तो रुपी ही दे देना, हम उसी से काम चला लेंगे. रशिया इज ऑफरिंग मोर क्रूड ऑयल एंड मोर कोल सप्लाइज टू चाइना एंड इंडिया एट दैट वट कंसेशनल रेट्स फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी. नाउ इंडिया इज लाइक इंडिया इज इंडिया, इधर से यार ये ऑफर तो कर रहा है, बहुत सटीक ऑफर है, मौके का फायदा उठाया जाए. बट सडनली एक तरफ से यूएस, एक तरफ से यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, अब क्या किया जाए इसमें, ठीक है. बात समझ में आ रही है? तो इंडिया इज लाइक इंडिया बोल रहा है कि यार इकोनॉमिकली अगर फायदा उठाने की बात है तो अब भी सारा तेल लेके ही आ जाते हैं इंडिया, ठीक है, हर जगह स्टोर कर लेंगे. लेकिन तभी मालूम चल रहा है इधर से यूएस, जोसेफ बाइडेन देख रहे हैं, ठीक है, चिकन है चेहरे पर. तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज बोल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है तुम्हें, ठीक है, और क्रूड ऑयल ले रहे हो रशिया से. और यूरोपियन यूनियन से जो क्रूड ऑयल, ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन यूनियन ने कहा रशिया को कि अब क्रूड ऑयल हम लोग बंद कर रहे हैं आपके यहाँ. रशिया बोल रहा है इंडिया को आप ही ले लो, क्या दिक्कत है. इट्स जस्ट गोइंग टू इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया इफ इंडिया गोज ऑन टू परचेज रशियन ऑयल इन द कमिंग मंथ्स, दैट्स इट. देखिए तो beleaguered by sanctions from the western countries and a ban on fuel exports to the US, Russia is keen to increase its oil and petroleum product exports to India, ठीक है. तो economically it will be very very beneficial for India, but politically it might be problematic, क्योंकि US कह रहा है कि ऐसा मत सोचना कि sanction नहीं लगाए थे, S-400 पे तो sanction लगाएंगे नहीं, ठीक है, देख रहे हैं, watch कर रहे हैं, ठीक है. कभी कभी excuse देते हो तो मान लेते हैं बात को, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा. यूएस इज लाइक यूएस इज वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉर इंडिया, जैसे इंडिया हमेशा करता है ना वेट एंड वॉच, इस बार यूएस कर रहा है, क्या कर रहा है इंडिया देखते हैं. गेटिंग द पॉइंट. ये देखिए रशियन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कन्वे कर रहे हैं फोन करके, यार क्रूड ऑयल रखा हुआ है ले जाओ यहां पे, ठीक है. अभी ये तो चाइना को मिलेगा, तो अभी चाइना उठाकर अभी ले जाएगा. इंडिया इज लाइक यार क्या करें, ठीक है, दिस should we go ahead, should we not go ahead. Russia's oil and petroleum product exports to India have approached $1 billion and there are clear opportunities to increase this figure. Ye dekhiye, meanwhile Russia that has lost the US ka market, US mein Russia export karta tha crude oil 7 lakh barrels per day. Ye dekhiye 7 lakh barrels per day US used to import from Russia. Ye dekhiye. And this is why it is trying to redirect that 7 lakh barrels per day towards India. तुम ही ले लो, क्या दिक्कत है. तो आप कहिएगा स्टूडेंट्स की दैट सर ये इंडिया क्यों, ये रशिया बंद क्यों नहीं कर रहा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन. आपको याद होगा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसपे यूपीएससी ने सवाल पूछा था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अ टाइप ऑफ क्रूड फाउंड इन गल्फ ऑफ मैक्सिको. ये देखिए क्या उसके क्या ट्रेडिंग लॉकडाउन में, ट्रेडिंग में क्या नेगेटिव प्राइसेस आए थे. टेल मी स्टूडेंट्स, ये देखिए नेगेटिव प्राइसेस इन द फ्यूचर्स ऑन द शेयर मार्केट. ये देखिए तो आप कहिएगा कि सर नेगेटिव प्राइसेस आए थे, यस. तो क्रूड ऑयल सर नेगेटिव प्राइसेस क्यों आए थे, उस समय डिमांड थी नहीं, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज इन द लॉकडाउन इंक्लूडिंग यूएस इट्सेल्फ.
बट द प्रोडक्शन कुड नॉट बी डिक्रीज, क्योंकि बंद करके चालू करने पे और महंगा पड़ता है। क्रूड ऑयल इंडस्ट्री इज लाइक इफ यू क्लोज इट एंड देन अगेन स्टार्ट द प्रोडक्शन, इट इज नेक्स्ट टू डिफिकल्ट। कहा जाता है कि स्टार्ट करने में जो सबसे पहला जो शिपमेंट्स होता है, शिपमेंट होता है, वो डबल कॉस्ट करता है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में। दैट्स इट। तो दिस इज इट। अब रशियन इंडिया रशिया रिलेशंस, यू कैन कोट दिस, इंडिया रशिया रिलेशंस माइट एक्सपैंड बिकॉज ऑफ दिस। एंड इंडिया का स्टेप क्या होना चाहिए, अब अगर देखा जाए डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेकर, तो इंडिया शुड प्रोसीड अहेड विद द रुपी कॉन्ट्रैक्ट विद रशिया। यस, रुपीज देकर और तेल मंगाया जाए। मैं बता दूं क्या इंडिया ने ऐसा पहले किया। यस, वेनेजुएला पे बैन लगाया था यूएस ने। यूएस हर जगह बैन लगाते रहता है। वेनेजुएला में यूएस ने बैन लगाया था, दैट वहाँ पे कूप हुआ है गवर्नमेंट में। एंड वेनेजुएला, लेट मी टेल यू, वेनेजुएला इज अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। डू यू एग्री? साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में है वेनेजुएला। एंड रैंक वन पे है वर्ल्ड में हाइड्रोकार्बन्स में, रैंक वन हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स में, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड शेल गैस। और उस समय की बात बता रहे, छोटा सा न्यूज आया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, आज से 3.5 years पहले की बात है, दैट दिस वेनेजुएला से इंडिया की प्रीमियर कंपनीज मंगा रही हैं रूपी ट्रेड में क्रूड ऑयल, एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया बिकॉज डॉलर सैंक्शन लगे थे वेनेजुएला पे, डॉलर में आप ट्रेड नहीं कर सकते थे। द सेम थिंग इंडिया डिड विद ईरान ऑल्सो। ईरान के साथ तो ये कंडीशन हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान से जो भी तेल मंगाएगा, दोस्ती करेगा, उससे मेरा परमानेंट दुश्मनी हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को बोला गया, यार गुस्से में बोल रहा है, थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है। तब तक इंडिया क्रूड ऑयल मंगा रहा था, फिर शांत हुए डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इंडिया को 3 महीने का और टाइम दे रहे हैं, 4 महीने का और टाइम दे रहे हैं। ऐसे ही करके इंडिया ने रुपी ट्रेड करके और क्रूड ऑयल ईरान से मंगाया। सो इंडिया कैन डू द सेम ना, रिपीट द सेम विद रशिया ऑल्सो। यस, सो इंडिया कैन गो विद दिस। एंड वेनेजुएला और ईरान से जो कंपनीज मंगा रही थी, वो सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है इंडिया की प्राइवेट में, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू कैन इजिली गेस इट। And this is why even Russia and Indian cooperation can go up. Itna hi nahi, can Indian companies go on to explore some crude oil wells in Russia? Yes, yes. This can provide a big, big opportunity for India to join the hands with Russia in at least crude oil this imports. Aur sabse badi baat hai, India crude oil mein India ki dependency badhti chali ja rahi hai, demands badhte chale ja rahe hain. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज। तो ये इंडिया रशिया रिलेशंस में कोट कीजिएगा। नॉर्थ कोरिया में फायर मिसाइल टू पुट सैटेलाइट इन स्पेस। देखिए मैंने कहा था ना, ठीक है, ये दूसरा वाला कोरिया आ गया, उत्तरी कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया टेस्टेड पार्ट्स ऑफ इट्स बिगेस्ट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। अब ध्यान दीजिएगा, इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब ये होता है रेंज, कितने दूर जाकर गिरेगा, ठीक है। इट्स एटलीस्ट 5,000 to 8,000 किलोमीटर इज इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी इस महाद्वीप से लॉन्च किया गया। इट गोज लाइक दिस एंड इट फॉल्स अपॉन द इन द अदर कॉन्टिनेंट, इंटर कॉन्टिनेंटल। ये देखिए, तो इन टू रिसेंट लॉन्चेस द US एंड साउथ कोरियन मिलिट्री सेड US इज फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स एट प्रेजेंट। जब से अफगानिस्तान में एंट्री करके फिर निकल गया वापस, अफगानिस्तान हैज टर्न आउट टू बी द ग्रेवयार्ड फॉर बिग बिग कंट्रीज। पहले यूनाइटेड किंगडम, व्हेन यूके वाज इन इंडिया, इट ट्राई टू कैप्चर अफगानिस्तान एंड वहीं से उसका डेमोलिशन शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद रशिया, सोवियत यूनियन, उसका देखिए USA, हैव अ लुक। तो ये देखिए, दिस द US एंड साउथ कोरिया मिलिट्री सेड अ सजेशन दैट इट इज लाइकली टू फायर दैट वेपन सून टू पुट अ स्पाइस सैटेलाइट into orbit in what would be the most significant provocation in years. Space wars, ye dekhiye. Is it critical? Tell me students, ye dekhiye. Space wars, spice satellite, space wars, space maybe weapons ka this installation and space is also not now not anymore secure. We need to secure the space we need to ensure that a treaty is signed and a treaty is revisited. Outer Space Treaty 1967 ki hai aur usme kuch likha hi nahi hua, in fact
उसने सोचा भी नहीं होगा उस समय के लोगों ने कि नॉर्थ कोरिया जैसा देश भी ऐसा करेगा। ये देखिए नॉर्थ कोरिया ऐसा मिसाइल लॉन्च करके करता क्या है? अरे अब मुझे पता रहता तो मैं आपको बता देता, ठीक है, बट लेट मी टेल यू, इट्स जस्ट लाइक सनक, जुनून होता है ना, दैट यूएस को कर दिखाना है कि मेरे पास मिसाइल है। यूएस इज लाइक यार तुमको मेरे से क्या पड़ी है इस जगह पे। तो नॉर्थ कोरिया का लोकेशन जरूर देखिएगा, साउथ कोरिया चाइना एंड रशिया के साथ में उसकी बाउंड्री लगी हुई है, देखिएगा रशिया के साउथ साथ में बाउंड्री लगी हुई है, एंड एक तरफ सी ऑफ जापान और एक तरफ येलो सी है, नॉर्थ कोरिया इज लोकेटेड इन बिटवीन। लेट सी द नेक्स्ट न्यूज, इंडिया चाइना होल्ड 15th राउंड ऑफ, अब देखिए इस न्यूज को कहां लिंक करोगे, एक सवाल आने वाला है इस बार इंटरनेशनल रिलेशंस में, नीड टू रिविजिट द स्पेस ट्रीटी, यस 1967, ये जरूर एग्जांपल कोट करोगे, क्या जरूरत है स्पेस ट्रीटी को दोबारा रिविजिट करके दोबारा रिवाइव करने की, दोबारा और नए टर्म्स ऐड करने की, ये जरूरत है, ये देखिए, गेटिंग द पॉइंट, सो वी नीड टू रिविजिट द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 बिकॉज नॉर्थ कोरिया इज डूइंग लाइक दिस, बिकॉज SpaceX has launched many satellites, because private sector is coming into the field, various reasons, one reason is this one, ठीक है, next, the next news, India China hold 15th round of military talks, so now India and China, China is moderating its stance, because China has got dhokha, the betrayal, how come, because China and Russia talked just 2 days before the war, Russia-Ukraine war, and it was like China was saying that I am with Russia. Russia is a very good country. Russia will not attack Ukraine. After 2 days, ठीक है, after 2 days, Russia attacked Ukraine and China was shocked. So China से पूछा गया, what is the crux? क्या आपने learn किया इसमें? क्या आपने सीखा है अपने जीवन में? China ने कहा किसी पे विश्वास नहीं करने का. And this is the reason why India, China and it's being said India, China and Pakistan भी साथ में. Pakistan कह रहा है यार रशिया ऐसे कर सकता है यार, कोई कुछ भी कर सकता है, मेरा क्या होगा, तो नहीं चलो सबसे दोस्ती करके ही रखते हैं, इट्स लाइक दिस, सो दिस इज द रीजन इंडिया चाइना, एंड इट्स रिटन इन द यूएस न्यूज़पेपर्स, इट्स कमिंग अप दैट इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान आर नाउ क्लोजली, दे आर टॉकिंग नाउ दैट यस वी आर ऑल्सो ओके एंड वी नीड टू टॉक विद ईच अदर एंड वी नीड टू पुट द रिलेशंस ऑन अ बेटर फॉर्मेट, गुस्सा करने से कुछ काम नहीं चलेगा, रशिया यूक्रेन वॉर पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया चाइना रिलेशंस, यू कैन सी इट हियर, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, रशिया यूक्रेन वॉर पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान इज लाइक ओके आई एम ऑल्सो कमिंग, अब बहुत हो गया मेरी तरफ से, ठीक है, सो इट्स just going to south asia is just going to moderate its stance, the south asian countries towards each other, india's neighborhood might become more secure in the coming days, to likha hua de escalation ki baat china karna shuru kar diya eastern ladakh mein, ye dekhiye, aur devsang plains mein, demchok mein, already we have discussed this, and 15th round of military talks are being held, it might convey that negotiations are the only way by which peace might return in the Indian subcontinent. ये देखिए मई 2020 के बाद, after May 2020 when the standoff began between India and China militaries, this is the first time China is saying okay, नहीं ठीक है यार, क्या दो, क्या पड़ा है बंदूक में, कुछ नहीं पड़ा है, नॉर्थ कोरिया को दे देते हैं, इससे अच्छा है हम लोग साइन करते हैं एग्रीमेंट, थोड़ा बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, that's it. So next student, तो ये this India China relations, you might put up a positive impact of Russia Ukraine war. इसलिए कहते हैं ना, हर एक perspective life का ध्यान दीजिएगा, मैं ये relate कर रहा हूँ आपके जीवन से भी, जीवन में हर एक incident ना तो पूरा positive होता है ना पूरा negative होता है, I hope you agree. Not a single incident of life is either completely positive or completely negative. It's just going to have a mixed impact upon your life. Yes. In the same way as Russia-Ukraine war is having a mixed impact upon the life of the countries. Yes. Mixed impact, positive and negative. This is the reason why if you are getting huge success in the life, don't think that sab kuch positive hone wala. There is going to be some negative instinct also.
एंड इफ यू आर गोइंग टू हैव कम्प्लीटली नेगेटिव इंस्टिंक्ट, मीन्स नहीं निकल रहा है एग्जाम या कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी है, इतना ध्यान में रख के आगे चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए एक बहुत बड़ा न्यूज आया, अब वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल न्यूज ऑफ टूडे एंड दिस कैन कम अप दिस ईयर इन द प्रीलिम्स। इंडिया फॉर टॉक्स ऑन बायो लैब्स इश्यू। यस, तो बायो लैब्स, रशिया कॉल्ड फॉर अ सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। ध्यान दीजिएगा, रशिया ने 3 days back रशिया एलेज्ड दैट यूक्रेन हैज बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज एंड यूक्रेन स्टोरिंग सम बायोलॉजिकल वेपन्स। चाइना वॉज सरप्राइज्ड, मेरे अलावा कोई और भी है क्या? ठीक है, बिकॉज बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर चाइना पे ऑलरेडी आरोप लग चुके हैं बिकॉज ऑफ COVID-19 वायरस। ये देखिए, गेटिंग द पॉइंट। सो इवन यूक्रेन इज शॉक्ड, रशिया इज सेइंग दैट यूक्रेन हैज बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज एंड दिस आई एम गोइंग टू दिस इट माइट बी यूज्ड, इट माइट बी वेपन्स माइट बायोलॉजिकल वेपन्स माइट बी स्टोर्ड वायरसेस बैक्टीरियास, दैट्स इट। बायो वेपन्स बना रहा है यूक्रेन। यूएस कह रहा है कि यूएस से पूछा गया रशिया क्या कह रहा है, रशिया कह रहा है सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग कराने के लिए, रशिया कह रहा है सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग कराने के लिए। यस, कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। यूएस कह रहा है, यूएस वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज, यूएस कह रहा है कि वहां तो कोई बायोलॉजिकल वेपन नहीं है। एंड रशिया ने यह भी एलेज किया है यूएस हैज हेल्प्ड यूक्रेन विद बायोलॉजिकल वेपन्स। ठीक है, US has helped Ukraine with biological weapons. So now everyone asked Joseph Biden of US that what is your stance? US ki taraf se stance aaya that Russia might use biological weapons. This is why Russia is creating a ground for it. ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए वो अभी उसके लिए this बना रहा है माहौल उस जगह पे। ठीक है, जैसे उसने माहौल बनाकर फिर अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स, ये क्या बायोलॉजिकल वेपन्स की बात जो आज रशिया कर रहा है, क्या यही कुछ 20 साल पहले? यस, रशिया से पूछा गया व्हाई आर यू डूइंग दिस, रशिया ने कहा 20 साल पहले चलते हैं, 19 साल पहले 2003 की बात, इराक पे अटैक। ठीक है, इराक पे अटैक एंड एट दैट टाइम जॉर्ज बुश वॉज आस्क्ड that do you have any grounds of attack on Iraq? Why is Saddam Hussein's administration being attacked? Iraq pe attack hone ke liye Security Council mein jab US ne resolution put kiya tha, it was vetoed by Russia. And dhyan dijiyega, it was abstained by China. Or means China ne abstain kiya tha, hamesha abstain karta hai. Veto kiya tha Russia ne, koi attack nahi karega Iraq pe. Iraq ke liye koi grounds nahi hai. कोई ग्राउंड्स नहीं। और तब यूएस ने कहा था नहीं, सद्दाम हुसैन के पास बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। उसके बाद व्हाट हैपेंड इन इराक, ऑल ऑफ यू नो, 2 years इनटू इराक वॉर एंड सद्दाम हुसैन एंड हिज कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिज फैमिली मेंबर्स वर किल्ड। एंड आफ्टर दैट व्हेन यूएस वाज आस्क्ड दैट यू अटैक्ड ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट इराक हैज बायोलॉजिकल वेपन्स, डिड यू गेट बायोलॉजिकल वेपन्स, यूएस सेड नो, रियली सॉरी फॉर इट, बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं थे, शायद गलती हो गई हम। एंड आफ्टर दैट द यूएस प्राइवेट कंपनीज गॉट ऑन टू अक्वायर द क्रूड ऑयल वेल्स ऑफ इराक फॉर द नेक्स्ट 1 decade विद इंस्टॉलिंग अ पपेट गवर्नमेंट इन इराक। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि क्या कंडीशन इराक में हुई उसके बाद। तो इराक ने पहला जब अटैक किया था कुवैत के ऊपर, जो गल्फ वॉर कहते हैं, जिसमें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया था यूएस ने 1990 में, that time Saddam Hussein was on, had done a wrong thing, had committed a wrong, but in the second US-Iraq war, Saddam Hussein had not committed a single wrong. It came up in even IAEA inspectors visits. International Atomic Energy Agency ke inspectors gaye the Iraq mein, kuch nahi mila tha. तो आप समझ रहे हैं बात को। अब यही बात है, अब इंडिया से उस समय भी पूछा गया था कि क्या कहना है आपका, और अभी फिर इंडिया से पूछा गया दैट बायोलॉजिकल वेपन्स पे क्या कहना है। इंडिया सिंह बायोलॉजिकल वेपन्स आर रियली प्रॉब्लमैटिक। और देखिए COVID-19 चाइना, ठीक है, वहाँ वुहान में दिस लैब भी है, पता नहीं चेक हुआ ठीक से नहीं हुआ। एवरी वन नोज वन थिंग दैट COVID-19 केम अप फ्रॉम चाइना,
So it might have come from the wild animals through the flesh, or it might have come from the lab. No one knows for sure. लेकिन एक चीज तो इंडिया कह रहा है, वी मस्ट रिस्पेक्ट द बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, BTWC, ध्यान दीजिएगा। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर कुछ कन्वेंशन साइन किए गए, सुनिएगा ये देखिए, एंड देखिए बायोलॉजिकल वेपन्स, हैव अ लुक, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, देखिए कौन कौन से कन्वेंशन साइन किए गए। बायोलॉजिकल वेपन्स वर बैंड इन 1972 इन द वर्ल्ड, केमिकल वेपन्स वर बैंड इन 1993, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। इस पे यूपीएससी हैज आस्ड अ क्वेश्चन 5 years बैक, लेट मी टेल यू, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW, इस पे सवाल पूछा है यूपीएससी ने। एंड थर्ड पॉइंट, लैंड माइंस, ये देखिए बैंड अंडर द एंटी पर्सनेल माइन बैन ट्रीटी 1997, एंड क्लस्टर म्यूनिशंस बैंड इन 2008। क्लस्टर म्यूनिशंस डिड यू गो थ्रू इट, टेल मी स्टूडेंट्स, जस्ट अभी न्यूज में आया था 1 week बैक। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज कन्वेंशंस, इंडिया हैज साइंड दीज कन्वेंशंस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज कन्वेंशंस, लेट मी टेल यू, इंडिया ने सारे कन्वेंशन साइन नहीं किए, लेकिन इंडिया ने साइन किए हुए कुछ कन्वेंशन, ठीक है। इसमें बायोलॉजिकल वेपन्स एंड केमिकल वेपन्स इंडिया ने साइन किए, लैंड माइन्स इंडिया ने नहीं साइन किया है कन्वेंशन। मैं बता दूं आपको, यूएस एंड रशिया एंड ये कंट्रीज हैं कि सबसे पहले साइन करती हैं और सबसे पहले इस्तेमाल करती हैं वही चीज है। तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1972। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स, लेट सी। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, हैव अ लुक, द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी दैट आउटलॉज ऑल द बायोलॉजिकल आर्म्स आफ्टर बीइंग डिस्कस्ड एंड नेगोशिएटेड इन द यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट फोरम स्टार्टिंग इन 1969, ठीक है, 69 में डिस्कशन शुरू हुआ। द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन वॉज ओपन्ड अप फॉर सिग्नेचर ऑन 1972, इन 1972, एंड इट एंटर्ड इन टू फोर्स इन 1975। 1975 से ये फोर्स में है, इट इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, वंस यू साइन इट यू कैन नॉट यूज मैन्युफैक्चर बायोलॉजिकल वेपन्स। इंडिया ने हटा दिया जितना भी इंडिया के पास केमिकल वेपन्स थे एंड बायोलॉजिकल वेपन्स थे, इंडिया ने क्लियर कट तरीके से हटा दिया, लेकिन अभी भी रिमेनिंग कंट्रीज, ठीक है, यही होता है ना कि रिमेनिंग कंट्रीज यूएस एंड रशिया साइन कर लिया, मालूम चला कि साथ में एक बॉटल वायरस का है उनके पास में। इट करंटली हैज 183 स्टेट पार्टीज इंक्लूडिंग पैलेस्टीन एंड 4 सिग्नेटरीज, ठीक है, 183 कंट्रीज ने साइन किया है, रेटिफाई किया है। 10 स्टेट्स हैव नीदर साइंड नॉर रेटिफाइड द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, चाद, कोमोरोस, जिबूटी, एरिट्री, इसराइल, किरीबाती, माइक्रोनेशिया, नामीबिया, साउथ सुदान एंड टूवालू। अब सर नाम याद करना जरूरी है, नहीं, आप पूछिएगा सर ये छोटे मोटे देश क्यों नहीं साइन किए हैं, क्या इनके पास है क्या, नहीं इनके पास बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं है, इनफैक्ट इनको स्पेलिंग भी नहीं पता, इसलिए ये कह रहे हैं कि नहीं चाहिए ऐसा कन्वेंशन, इवन वी डोंट नो अबाउट इट, और जानना भी नहीं है हमें, ये देखिए, ठीक है। तो हैव अ लुक, इसमें इसराइल एक बहुत क्रूशल कंट्री है, इसराइल कोई भी कन्वेंशन साइन नहीं करता, मैं बता दूं आपको, ठीक है, इसराइल कोई भी कन्वेंशन साइन नहीं करता, लीविंग इट ओपन एंड फ्लेक्सिबल टू टेक डिसीजंस ऑन द स्पॉट। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन बैंस, ध्यान दीजिएगा ये क्या करता है, इट बैंस डेवलपमेंट, स्टॉक पाइलिंग, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड टॉक्सिन्स। तो ये डेवलपमेंट, स्टॉक पाइलिंग, ये सब तो चाइना कर ही रहा है, ठीक है, यूएस भी करता है, रशिया भी करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड टॉक्सिन्स ऑफ टाइप्स एंड इन क्वांटिटीज दैट हैव नो जस्टिफिकेशन फॉर प्रोफाइलैक्टिक, प्रोटेक्टिव और अदर पीसफुल पर्पस। दिक्कत क्या है ना, इसमें डिटेक्ट करना बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। व्हेन अ कंट्री इज गोइंग फॉर दिस टेकिंग अप द वायरस एंड बैक्टीरिया इन द लैब एंड टेस्टिंग, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर वैक्सीन्स और ड्रग्स, ठीक है, टैबलेट्स, ड्रग्स, मेडिसिन, तो वो दिखा देगा ना कि ये तो स्टोर किया मैंने वैक्सीन और ड्रग के लिए, मेडिसिन के लिए, लेकिन लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो बहुत जल्दी शक चला जाता है दैट इट इज़ नॉट फॉर ड्रग्स एंड वैक्सीन ओनली, इट्स फॉर, इट्स टू बी यूज एज अ टॉक्सिन एंड एजेंट फॉर द अदर कंट्री। वेपन्स इक्विपमेंट एंड डिलीवरी व्हीकल्स डिजाइन टू यूज सच एजेंट्स और टॉक्सिन्स फॉर हॉस्टाइल पर्पसेस और इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट आर ऑल्सो बैंड, यानी डिलीवरी व्हीकल्स, मिसाइल्स की बात चल रही है,
मिसाइल की बात चल रही है, मिसाइल में आपने देखा होगा, मिसाइल में लिखा रहता है डुअल यूज, ठीक है। डुअल यूज का मतलब होता है कि एक कन्वेंशनल बम्ब्स यूज करना, ठीक है, यानी कन्वेंशनल बम्ब्स मीन्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन साइड करके, ठीक है, कन्वेंशनल बम्ब्स लगाकर और फिर भेजना, जैसा मिसाइल चलता आया पहले से। मिसाइल में लेकिन डुअल वेपन्स डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है दैट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कैन बी इंस्टॉल्ड, न्यूक्लियर वेपन्स एंड केमिकल वेपन्स एंड बायोलॉजिकल, उसकी स्टोरेज भी आ गई है अब मिसाइल्स में अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इट्स BWC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स क्या शुरू से इस्तेमाल हो, बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया का इस्तेमाल बिफोर क्राइस्ट 1500 साल पहले हुआ था ये रोमन एम्पायर में, ठीक है। उसी समय से ब्रिटेन ने 18 सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स डाल दिया नॉर्थ अमेरिका में लोगों को तोड़ने के लिए, सोचिए। मंगोल पीपल यूज टू, जब राइज हुआ था मीन्स मंगोल्स का और चंगेज खान का, उसी समय से प्लेग इन्फेक्टेड डेड बॉडीज को फेंक दिया जाता था दूसरे कॉलोनीज में जहाँ ये लोग जाते थे बीमारी फैलाने के लिए। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी यूज एंथ्रैक्स, वेरी वेरी मीन्स क्रिटिकल दिस बायोलॉजिकल वेपन, एंड कॉलेरा एंड प्लेग एंड वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। प्रिजनर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत सारे वेपन्स का। अब कहा जा रहा है कि 1975 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन केम अप इनटू द फोरफ्रंट, लेकिन इसका क्या, इसके पहले बैन नहीं था, इसके पहले एक कन्वेंशन साइन किया गया था, एक प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल। ये देखिए जिनेवा प्रोटोकॉल इज इम्पॉर्टेंट, विद वॉट फील्ड इज जिनेवा प्रोटोकॉल रिलेटेड, इट्स बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है, 1925 में। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। तो क्या इंडिया कह रहा है कि भाई बायोलॉजिकल वेपन्स की बात चल रही तो चलो बातचीत कर लो, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन है, बातचीत कर लो, उसको ट्रू स्पिरिट में फॉलो करो। यस, सही तरीके से फॉलो किया करना चाहिए सारे कंट्रीज को, बिकॉज बायोलॉजिकल वेपन्स हो या न्यूक्लियर वेपन्स हो या केमिकल वेपन्स हो, क्या एक छोटी सी गलती पूरे विश्व को भयावह तरीके से परेशान कर देगी? टेल मी स्टूडेंट्स, इवन अ सिंगल मिस्टेक कैन सेंड रिपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यस, एज हैपेंड विद COVID-19 वेव्स, यू कैन सी इट हियर, दिस इज इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, एंड इजराइल इज द ओनली डेवलप्ड कंट्री नॉट टू हैव साइंड इट, रिमेनिंग नॉन मींस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट साइंड इट। चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स, दिस इंडियन इकोनॉमी से न्यूज है। ये देखिए FCI टू स्टॉप स्टोरिंग वीट इन द ओपन बाई सेप्टेम्बर, एमिंग टू रिड्यूस वेस्टेज, ठीक है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और FCI का ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी, मैं बता दूं इसको लेकर पूरा PDS सिस्टम और FCI को लेकर एक कमेटी सेटअप की गई थी, शांता कुमार कमेटी इन 2014। ये देखिए शांता कुमार कमेटी, एंड इट रिकमेंडेड एट दैट टाइम ओनली, ध्यान दीजिएगा 2014, मैंने पढ़ाया हुआ ये आप लोगों को PDS में और FCI में, ठीक है। तो 2014 इट रिकमेंडेड, व्हेन द कमिटी अपने रिपोर्ट जारी करता है, कमिटी का रिपोर्ट आता है सबमिशन के लिए, इट रिकमेंडेड स्टोरिंग इट इन सिलोज और क्लोज्ड स्टील कंटेनर्स द वीट, गेहूं, क्यों, व्हाई, बिकॉज डज मॉइस्चर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वीट इन द गनी बैग्स, यस, डज द डस्ट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वीट इन द गनी बैग्स, ये देखिए। बट दिक्कत क्या स्टूडेंट, सिलोज बनाने में बहुत पैसा लगता है, इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चरल इनपुट, एंड इसके लिए दिस इज द रीजन व्हाई द सिलोज एंड द गोडाउन्स, स्टोरेज गोडाउन्स, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी लॉन्च किए गए प्रोग्राम्स, एंड दिस इज हाउ, ये देखिए यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, दिस इज हाउ द न्यू सिलोज आर कमिंग अप अक्रॉस द कंट्री। और ये गनी बैग्स में अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो मालूम चलता है कि ट्रक में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपने देखा होगा एक पानी का टैंकर और एक FCI का ट्रक कहाँ कहाँ जाता है, सब वो अपना सबूत छोड़ता चला जाता है, कैसे, लीकेज। तो ट्रक में ऊपर एक मान लीजिए 50 गनी बैग्स हैं, एक खाली हो गया, बस रास्ते में हल्का हल्का गेहूं आपको दिखेगा पूरे रास्ते में। तो मैसिव अमाउंट इज ऑल्सो गेटिंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस,
और बाकी रही सही कसर चूहे पूरे कर देते हैं एफसीआई के गोडाउन में, देखिए नहीं। तो दिस इज इट। एंड पानी का मैं देखता हूं, पुणे में पानी के टैंकर्स जा रहे हैं, ठीक है। अब वो रास्ते भर पानी गिराते हुए गया, इतना वेस्ट हुआ वहां पे, यू कैन इमेजिन व्हाई नॉट पुटिंग अप अ कैप ओवर दैट। तो दिस इज व्हाट दिस शांता कुमार कमेटी ने कहा था कि अच्छा खासा वेस्टेज हो रहा है पीडीएस में ग्रेन्स का, एंड दिस वेस्टेज नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। क्योंकि दिस वेस्टेज अगर यही मार्केट में रिलीज किया जाए ग्रेन्स, विल इट ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन, टेल मी, क्या ये इन्फ्लेशन नीचे लाएगा? यस, यही तो कहा गया। हो सकता है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हो सकता है इन्फ्लेशन भी नीचे लाया जाए, अलग अलग तरीके से काम हो सकता है, बट वी नीड टू स्टोर इट इन अ प्रॉपर फॉर्म। इन अ मेजर इनिशिएटिव टू एलिमिनेट स्टोरेज लॉसेज ऑफ एफसीआई, द एफसीआई विल डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग वीट इन अनकवर्ड फैसिलिटीज फ्रॉम सेप्टेम्बर दिस ईयर टू ऑगमेंट कवर्ड स्टोरेज फैसिलिटी एंड एंश्योर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम प्रोक्योरमेंट सेंटर्स टू स्टेट्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़े, तो ये पुटअप कीजिएगा पीडीएस में रिफॉर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया कनाडा एग्री टू कंसिडर इंटरिम ट्रेड डील। इंडिया एंड कनाडा ने अब एग्री कर लिया कि अब हम लोग दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे भी कनाडा में और कोई रहता नहीं है, ठीक है। कनाडा में 1/3 पॉपुलेशन इज फ्रॉम इंडिया ओनली, ठीक है। पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन, द सेकेंड पंजाब, यू कैन सी इट हियर, और यू कैन से द फर्स्ट पंजाब। तो पंजाब 1/3 वहाँ पे है। पंजाब, पंजाबी हैज़ बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। सो कनाडा इज लाइक, अब बिना इंडिया, इंडिया के बिना काम नहीं चल पाएगा। एंड इफ यू गो इन सम सिटीज लाइक फॉर एग्जाम्पल टोरंटो एंड वैनक्यूवर, ठीक है, उसके आउटस्कर्ट्स में द होल कॉलोनीज आर इंडियन ओनली, विद एवरी सिटी कंसिस्टिंग ऑफ 50,000-40,000, पॉपुलेशन है 70,000, ठीक है, 40,000 इंडियंस है वहाँ पे। अब ऐसी कंडीशन में ट्रेड तो बनता है ना, ट्रेड डील, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये देखिए FTA। तो इंडिया एंड कनाडा हैव एग्रीड टू रेज्यूम नेगोशिएशंस फॉर FTA, एंड लेट मी टेल यू, यस, कनाडा इज, कनाडा में दो प्लेसेस हैं वेरी इंपॉर्टेंट। वन, अगर देखा जाए कनाडा में, तो कनाडा इज अ इंडस्ट्रियल हब ऑल्सो। इंडस्ट्रियल हब कहाँ पे? नियर द ग्रेट लेक्स रीजन। डू यू एग्री? ग्रेट लेक्स के आसपास का रीजन, ये देखिए, ग्रेट लेक्स के दक्षिण में देखिएगा तो US का रीजन इंडस्ट्रियल हब, नॉर्थ में देखिएगा कनाडा का रीजन है। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखिएगा तो कनाडा हैज प्रेजेंस ऑफ दिस क्रूड ऑयल, यस, क्रूड ऑयल, एंड साथ में बिटुमेन सैंड्स, ये देखिए बिटुमेन सैंड्स या टार सैंड्स कहते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है मैं बता दूँ आपको। दिस यू माइट हैव, आप स्टेट्स का अगर लिस्ट निकालिएगा तो दिस एल्बर्टा एंड सैस्काटून, ये देखिए एल्बर्टा इज अ स्टेट ऑफ कनाडा एंड सैस्काटून, ये देखिए इन दोनों जगहों पे, ठीक है, इन दोनों जगहों पे टार सैंड्स हैं जिससे बिटुमेन डराइव होता है, फ्यूल है। तो इंडिया एंड कनाडा कैन, इट कैन यील्ड मल्टीपल डिविडेंड्स फॉर इंडिया इफ वी गो ऑन टू साइन अ ट्रेड डील, बिकॉज इंडिया एटलीस्ट फ्यूल सप्लाईज को लेकर इंडिया थोड़ा सा आश्वस्त हो सकता है। एंड आप मुझे बताइए स्टूडेंट, शुड इंडिया डाइवर्सिफाई इट्स फ्यूल इम्पोर्ट्स? टेल मी, नहीं, फ्यूल इम्पोर्ट्स का डाइवर्सिफाई करना जरूरी हो गया, बहुत जरूरी हो गया, सीइंग द कंडीशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो लेट सी व्हाट इंडिया एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स, ये देखिए सेम न्यूज देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यूज, व्हाट डज इंडिया एक्सपोर्ट टुवर्ड्स कनाडा एंड व्हाट डज इंडिया इम्पोर्ट। तो मेजर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू कनाडा इंक्लूड ड्रग्स एंड फार्मा, यस, चीप ड्रग्स हैं, चीप फार्मास्यूटिकल्स है, आयरन स्टील, मराइन प्रोडक्ट्स एंड कॉटन एंड रेडीमेड गारमेंट्स, इसके लिए तो इंडिया फेमस है भाई, ठीक है, कपड़े ही बनते हैं और कपड़े ही एक्सपोर्ट होते हैं। एंड दिस वाइल की कैनेडियन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया इंक्लूड पल्सेस, ये देखिए पल्सेस, यस, फर्टिलाइजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया नीड्स इट, कोल एंड क्रूड ऑयल, देखिए क्या क्या स्टूडेंट्स, ये चार की चार चीजें इंडिया को बहुत जरूरी है, मुझे बताइए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, पल्सेस, फर्टिलाइजर,
कोल एंड क्रूड ऑयल, ऑल दीज फोर थिंग्स आर नीडेड बाय इंडिया। इसीलिए साइन होने की बात चल रही है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा। ये देखिए इसका नाम पड़ेगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कवरिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोथ। ये देखिए, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स वन थिंग, डिड इंडिया साइन एफटीए विद यूएई क्वाइट रिसेंटली? यस, द सेम एफटीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फोकसिंग अपॉन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन स्टिल मैं बता दूं आपको, अभी जो कंडीशन चल रही है ग्लोबल इकोनॉमी की, इट विल टेक 6 months एट लीस्ट टू मेटेरियलाइज इन टू प्रैक्टिकलिटी। यस, यही तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आज के समय में एक सबसे बड़ी समस्या है, मेटेरियलाइज करने में परेशानी होने वाली है। यह मैंने कहा वक्त लगेगा ट्रेड ठीक से शुरू होने में। ठीक है, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? फार्मास्यूटिकल्स, देखिए फार्मा, सेकेंड स्टील, ये देखिए थर्ड कॉटन गारमेंट्स, ठीक है कॉटन गारमेंट्स ये देखिए, एंड फोर्थ मराइन प्रोडक्ट्स, ये दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक था, तो इंडिया कनाडा, ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कनाडा फॉर इंडिया, देखिए मैंने यहाँ पुटअप किया हुआ है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर कनाडा देख लीजिएगा, और चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस सबसे बड़ा चैलेंज तो है दूरी, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस क्रिएट्स चैलेंजेस। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट न्यूज, इंडिया शुगर एक्सपोर्ट्स एक्सिलरेट ऑन ग्लोबल प्राइस रैली वीक रुपी। क्या अगर रुपए का वैल्यू कम होता है, रुपए की कीमत ध्यान दीजिएगा, पहले $1 इज इक्वल टू मान लीजिए 75 रुपीज था, मान लीजिए अभी $1 इज इक्वल टू 77 रुपीज हो गया, तो क्या रुपए की कीमत कम हो गई? यस, पहले 75 रुपए आ रहे थे $1 में एट द ग्लोबल फ्रंट, अब ₹2 एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं। देखिए ₹2 एक्स्ट्रा डालोगे तब वो $1 देगा तुम्हें, नहीं, ये साफ साफ दिखा रहा कीमत कम हो गई रुपए की। क्या डज दिस स्टेप मेक द एक्सपोर्ट्स चीपर? टेल मी स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट चीप होंगे कि नहीं? यस, सस्ता हो जाएगा, कैसे? ध्यान दीजिएगा, पहले वन बैग ऑफ शुगर फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बोला गया ठीक है भाई कितने रुपए का है? 75 रुपए का, तो कितना देगा यूएस वाला बंदा? $1। ठीक है, अब वन बैग एक्सपोर्ट हो रहा है, कितने रुपए का है? 75 रुपए का, कितना देगा यूएस वाला बंदा? $1 से कम देगा ना? टेल मी, ये देखिए लेस देन $1, ये देखिए। एंड डज इट मेक एक्सपोर्ट चीप? सो इट गिव्स अ बिग बूस्ट टू द एक्सपोर्ट्स। इनफैक्ट ये स्टेप लिए जाते हैं कितने कंट्रीज के द्वारा, जानबूझकर अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके, एग्जांपल चाइना ने किया था रेनमीबी करेंसी, अपनी करेंसी को डीवैल्यू 2013 में, तो एक्सपोर्ट चीप हो गया, एंड दिस इज व्हाई इंडिया शुगर एक्सपोर्ट्स एक्सिलरेट। ये देखिए शुगर जब चीप होगा स्टूडेंट्स ग्लोबल मार्केट में, तो क्या कंट्रीज टूट पड़ेंगे? यार मुझे चीनी दे दो, मुझे चीनी दो, ठीक है डायबिटीज दो, चीनी दो, दैट्स ऑल। ठीक है, ये कल का ही न्यूज था, मैंने कल कवर नहीं किया था। इंडियन शुगर मिल साइंड कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपोर्ट 5,50,000 टन्स ऑफ द स्वीटनर इन रीसेंट डेज एज सर्जिंग ग्लोबल प्राइसेस एंड अ वीक रुपी मेड ओवरसीज सेल्स लुक्रेटिव, फोर डीलर्स टोल्ड द रॉयटर्स। ये देखिए, हैव अ लुक, द शिपमेंट्स विल ऑल्सो हेल्प इंडिया रिड्यूस इट्स स्टॉक पाइल एंड सपोर्ट द लोकल प्राइसेज ऑफ द स्वीटनर। ये देखिए अल्टीमेटली मच एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स मीन्स शुगर माइट एंड अप गेटिंग फॉरेन करेंसी फॉर द कंट्रीज। चलिए आगे बढ़े, तो आप बोलेंगे सर डी वैल्यू, तो सर ये तो करेंसी का वैल्यू कम रहा, सर अच्छी बात है इंडिया के लिए, इतना भी अच्छा नहीं है, इम्पोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, इम्पोर्ट्स पूरे महंगे हो जाते हैं, क्रूड ऑयल कितना महंगा हो गया है आप खुद देख लीजिएगा कि कितना बड़ा असर पड़ेगा फॉरेक्स पे। ठीक है, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक, ये देखिए इसको जरूर ये पुटअप कीजिएगा, रशिया यूक्रेन वॉर इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड मैरीटाइम ट्रेड। अब ये न्यूज आपको देखना है स्टूडेंट्स डिटेल में, ये 9th मार्च को आया था, ये एक्सप्लेनर सेक्शन द हिंदू ने शुरू किया है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को। ठीक है, सप्लीमेंट दे रहा है, और जैसे कल हम लोगों ने FATF देखा था, सेम वे आज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ऑन मैरीटाइम ट्रेड, गो थ्रू इट,
मैं इसका पीडीएफ पोस्ट करूंगा, क्या इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि मैं हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ये सारी चीजें, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एवरीथिंग अबाउट मैरिटाइम ट्रेड एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आपको रिवाइज करना है बस, यहाँ पे तुर्की का रोल क्या है तो देखिएगा, और रसिप अर्दोगन का रोल क्या है यहाँ देखिए दिया हुआ है, तुर्की कहाँ बैठा हुआ है ये देखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू पैराग्राफ्स, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए तुर्की का रोल देखिए दिया हुआ है इस जगह पे। तुर्की मैं बता दूं, तुर्की के बारे में दो चीज़ें यहाँ बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की इज अ सिग्नेटरी टू मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन। मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन सुना है आपने, पढ़ाया था चार दिन पहले। लेकिन लेकिन तुर्की इज नॉट अ सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यूएन क्लॉज में सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है, जबकि मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन फॉलो करता है। सर इतना कंफ्यूजन, यही तो चल रहा है तुर्की में, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन देख लीजिएगा एंड यूएन क्लॉज नहीं सिग्नेटरी है तुर्की यूएन क्लॉज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो व्हाट इज देयर इन मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, इट्स गिवन हियर, गो थ्रू इट, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ जाए। कल हम लोगों ने न्यूज देखा था, थोड़ा डिटेल में पढ़ा देंगे। कुडन कुलम पंचायत अडॉप्ट रेजोल्यूशन अगेंस्ट AFR। What is AFR? Away from reactor facility. Kudan Kulam nuclear plant in Tirunelveli, Tamil Nadu. ये देखिए Tamil Nadu, have a look. और यहां पे न्यूक्लियर वेस्ट स्टोर करने की बात चल रही है, ठीक है। देखिए यहां पे अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी टू स्टोर न्यूक्लियर वेस्ट, द कुडन कुलम विलेज पंचायत under which the project site falls has passed a resolution against setting up the facility. Nuclear waste is a big, big, nuclear waste management is a big, big problem. I hope you agree. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है मैं बता दूं आपको। There are three types of nuclear waste: low level waste, medium level waste and high level waste. लो लेवल वेस्ट इज डाइल्यूटेड एंड डिस्पर्स्ड। लो लेवल वेस्ट का एग्जाम्पल क्या है, ग्लोव्स, मीन्स जो कम खतरनाक है, ग्लव्स जो पहनते हैं वो लोग पर्सनल वहाँ के, बैग्स इस्तेमाल करते हैं, टूल्स ले जाते हैं, अगर उसको डिस्पोज करना है तो बस थोड़ा मिट्टी खोदा जाता है वहाँ डाल दिया जाता है और मिट्टी ढक दिया जाता है, ठीक है, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज डन। नेक्स्ट डीले एंड डीके, ये देखिए ये उन वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है जो स्पेंट फ्यूल, स्पेंट फ्यूल सुना है अपने, टेल मी स्टूडेंट्स, ये देखिए स्पेंट फ्यूल, तो जिनका शॉर्ट हाफ लाइफ है, डीले करो डीके करो, कहीं स्टोर कर दो एक जगह पे अंदर में रिएक्टर में, ठीक है। डीके, डीके मींस हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड के बाद वो कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक है। इन दिस हाई लेवल वेस्ट एंड मीडियम लेवल वेस्ट हैविंग लो हैविंग शॉर्ट हाफ लाइफ इज स्टोर्ड, ये देखिए इन द टैंक्स टिल द डीके इनटू हार्मलेस इस हार्मलेस बाई प्रोडक्ट्स। वाइल लास्ट पॉइंट कंसंट्रेशन एंड कंटेनमेंट, कंसंट्रेट करके एक जगह पे जाकर उसको दिस हाईली रेडियो एक्टिव डेंजरस वेस्ट उसको कंक्रीट में स्टील कंटेनर में पैक करना और फिर जाकर स्टोर करना थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए इनसाइड द ग्राउंड, इनसाइड द ट्रेंचेस, पृथ्वी के अंदर पाताल लोक में फेंक देना, ट्रेंचेस में या जाके ओशन में फेंक देना, ठीक है, ओशन में घूम रहे हैं अचानक से एक डिब्बा उठाया फेंक दिया वहां पे, ठीक है। सो इज दिस डन बाय द कंट्रीज, यस, यूएस एंड रशिया प्रीमियर कंट्रीज। रशिया ने आर्कटिक ओशन में नोवाया ज़ेमलाया आइलैंड, देखिएगा नोवाया ज़ेमलाया आइलैंड जस्ट नॉर्थ ऑफ यूरल माउंटेन्स, उसके आसपास तो इतना ज्यादा कंटेनर्स हैं और सबके अंदर रेडियोएक्टिव वेस्ट, ये देखिए। और यूएस का तो पूरा विश्व में ही है, ठीक है, चल रहा है, और चाइना का भी, यूएस ने पैसिफिक ओशन में, यूएस ने मरियाना ट्रेंच के आसपास, यस, ह्यूज। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, एंड ये क्या ये बहुत डेंजरस होता है, इसमें बता दूं आपको, इंडिया में जादू गोड़ा माइंस है, ठीक है, जहां पे यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लोकेटेड है, सिंहभूम में झारखंड में, उसका एक सर्वे आया था, कुछ एनजीओ ने सर्वे किया था दैट पीपल देयर, यूरेनियम माइनिंग चल रही है जादू गोदा, ठीक है, इन झारखंड, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PSU, ठीक है, उसके आसपास के जो गांव है उसमें लोगों में थोड़ी थोड़ी जेनेटिक डिफेक्ट्स पाए जा रहे हैं नई पीढ़ी में, क्या ये समस्या है ट्राइबल्स में, यस,
It's a clear cut example of the impact of nuclear, just uranium mining upon the locals out there. तो जरूर से जादू गोदा माइंस याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए ठीक है, इन सिंहभूम इन झारखंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस न्यूक्लियर मैनेज न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। ये देखिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड डिस्पोजल कैसे होता है। सराउंड द वेस्ट विद कंक्रीट, क्वालिफाई द वेस्ट एंड एनकैप्सुलेट देम विद सेरामिक और मेटल कंटेनर, ड्रॉप इन द डीप ओशन और बरी द वेस्ट इन द अंडरग्राउंड होल्स। यही किया जाना है विलेज में, ये देखिए ठीक है, यही विलेज में वो किया जाना है जिसके कारण वो लोग खिलाफ में है। नेक्स्ट, बरी अंडर अंटार्कटिक आइस शीट्स, यूएस हैज डन इट, ये देखिए। एंड इवन एम्प्टी ओशन इज अ रिसोर्स, ठीक है, जाकर फेंक देना, ठीक है। जैसे आप कभी कभी कूड़ा फेंक देते घर के बाहर, कोई देख नहीं रहा है, अपने ही आसपास फेंक देना। दिस वॉज डन बाई यूएस एंड चाइना। सो दिस इज प्रॉब्लमैटिक, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट पे सवाल आएगा। कुडन कुलम वाला ये एग्जाम्पल आप जरूर कोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक, मिलिट्री टर्न्स टू ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी फॉर कॉम्बैट एंड ट्रेनिंग पायलट्स। ये देखिए, इंडियाज मिलिट्री विच हैज फॉर ईयर्स रिलाइड ऑन स्टेट ओन्ड कंपनीज फॉर इट्स डिफेंस इक्विपमेंट नीड्स इज इंक्रीजिंग नाउ द प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट डेवलप्ड बाई स्टार्टअप्स में ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये टैंक में बैठे हुए ये पर्सनैलिटी और ये देखिए चश्मा पहने हुए हैं, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी का सेटअप है। हैव अ लुक। तो वर्चुअल रियलिटी इंप्लाइज अ कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस दैट शट्स आउट द फिजिकल वर्ल्ड। ये देखिए कंप्लीट सिमुलेट करेगा, आप स्पेस में जा रहे हो, सिमुलेट करेगा आप जो देख रहे हैं पूरा आउटसाइड वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट जीरो, दैट्स इट। सिमुलेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करेगा कि क्या क्या एक्सपीरियंस होगा उसमें, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स यू इनटू अ दिस इमेजिनरी एनवायरनमेंट, दैट्स इट। अब इमेजिनरी एनवायरनमेंट क्या होगा आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप पेंगुइन्स के बीच जाके रहना चाहते हो, सिमुलेट वो भी कर देगा। आप ड्रैगन के सर पे सवार होना चाहते हो, वो भी सिमुलेट कर देगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद आप बच सकते तो बचिए वहां पे। नाउ वर्चुअल रियलिटी का एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पे, आर्मी के लिए कैन इट बी अ गुड एक्सपीरियंस टू ट्रेन वन सेल्फ। यस, ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट। ठीक है, और यहीं पे ऑगमेंटेड रियलिटी भी एक पॉइंट, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी एड्स डिजिटल एलिमेंट्स टू अ लाइव व्यू ऑफन बाय यूजिंग द कैमरा ऑन अ स्मार्टफोन। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब ऑगमेंटेशन, एडिशन, कुछ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा सामने पेड़ है, सामने एनिमल्स हैं एक दो, ठीक है, डॉग्स कैट हैं, ठीक है, आपका मन करा नहीं टाइगर आएगा कितना ऐड कर देगा, क्या दिक्कत है। ऐड कर दिया टाइगर, अब आप जिंदा बचना है आप जिंदा बचिए वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज डन इन मैनी गेम्स ऑल्सो, ऑगमेंटेड रियलिटी, इसका भी इस्तेमाल यहाँ ट्रेनिंग में ही। तो आप फील्ड वर्क में हैं और आपको ऑगमेंट करके दिखाया जाएगा, यहाँ पे अगर टैंक आ गया, यहाँ पे चाइना आ गया, यहाँ पे जोसेफ बाइडेन आ गए, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का बंदा आ गया, तो क्या करोगे आप। तो इन दोनों का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा है। एंड साइंस एंड टेक एप्लीकेशंस, टेक एप्लीकेशंस इन डिफेंस, डू यू एग्री स्टूडेंट्स। ये देखिए इन डिफेंस, ये देखिए पुट कर दीजिएगा, सवाल आ सकता है। और ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में फर्क क्या है देख लीजिएगा, इवन मिक्स्ड रियलिटी क्या देख लीजिएगा, एक्सटेंडेड रियलिटी क्या देख लीजिएगा। ऑल फोर वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक, यू कैन सी इट हियर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, ठीक है। हम लोगों ने ये ऑगमेंटेड रियलिटी, दिस मिक्स्ड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड एक्सटेंडेड रियलिटी का ये PDF देखा, ठीक है। साथ में we saw Kudan Kulam and Panchayat and away from reactor, साथ में we saw Russia Ukraine conflict, तुर्की का रोल क्या है आपको देखना है ये आज। We also saw India sugar exports accelerate, ठीक है। Next we also saw students India Canada relationship, ये देखिए Canada से क्या क्या India import करता है, that is important, pulses, fertilizer, coal and crude oil, ठीक है। Next FCI शांता कुमार कमेटी, एक बार रेफर करना है आपको जाकर, वो क्लास देखना है आपको, ठीक है।
नेक्स्ट उसके अलावा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये देखिए कौन कौन से वेपन्स बैंड हैं, और इसमें बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जिनेवा प्रोटोकॉल के 1925 में साइन किया गया था, उसके 50 ईयर्स बाद PWC वाज इट केम इन टू फोर्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अभी पिछले चार वर्ष मीन्स पिछले वन डिकेड में ये सब कुछ न्यूज़ में आ चुका है। लैंडमाइंस केम इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में इतने लैंडमाइंस हैं ना, कहीं पेन पड़ा हुआ है कहीं पे, अरे बटरफ्लाई शेप के लैंडमाइंस हैं, लेट मी टेल यू, वहाँ पे बटरफ्लाई है जाके बच्चे टच करते हैं, खत्म, बहुत दिक्कत की बात है। तो दिस एंड क्लस्टर म्यूनिशन केम अप इन न्यूज़ वन वीक बैक एंड नाउ BWC हैज कम अप इन द न्यूज़, दिस इज अ इंपॉर्टेंट एरिया विच नीड्स टू बी टैकल्ड, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स इसके अलावा दिस कैन सी इट हियर, इंडिया चाइना टॉक्स, मिलिट्री टॉक्स, नॉर्थ कोरिया मिसाइल, रशिया दिस रशिया ऑफर्स मोर ऑयल टू इंडिया एंड यूक्रेन नियोन आउटपुट, दैट्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, आज स्पेशल क्लासेस पे आज होगा एक सेशन एडिटोरियल का, एंड टुमारो द करंट अफेयर्स विल बी हेल्ड अपॉन द अन अकेडमी ऐप ओनली, आज का एडिटोरियल सेशन भी अन अकेडमी ऐप पर मैं टाइमिंग पुटअप कर दूंगा, इवनिंग में होगा, एंड कल का भी इस करंट अफेयर सेशन संडे का, एवरी संडे इट इज हेल्ड अप ऑन द अन अकेडमी, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, ठीक है, जो रिलेटेड एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक का और कुछ भी न्यूज होगा आई विल कवर इट टुमारो, डोंट नीड टू वरी इट, दैट्स इट, नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स, टेक केयर, एंड दोनों दिन का मैं करंट अफेयर्स का PDF पुट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी _ अनुराग सिंह, जुड़ जाइएगा सेशन के फ्री PDF के लिए।